यूएसए की जो एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने नॉन ट्रैवलर्स को जो है ना एयरपोर्ट के अंदर आने की जो है ना दोबारा इजाजत दे दी है, दोबारा अलाउ कर दिया है कि वो अंदर आ सकती हैं और हैंग आउट कर सकती हैं। बेसिकली होता यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और ईरान में जो मैंने देखा है कि आपको एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर रखते हैं, जहां पे एयरलाइन का जो काउंटर होता है जहां से आपका मिलता है बोर्डिंग पास या जहां पे आप अपना जो लगेज है वो चेक इन करवाते हैं, वहां तक जाने की इजाजत भी नहीं होती। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाकी दुनिया में जहां पर आप चेक इन करवाते हैं, अपना लगेज और बोर्डिंग पास लेते हैं, एयरलाइन का जो काउंटर होता है वहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन यूएसए में इसे भी बढ़ के था, वो ये था कि आप जो जहाज होता है, जो डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स उनकी जा रही होती थी, उसके अंदर भी जा सकते थे। मतलब आपका कोई भी जा रहा है तो आप उसको छोड़ने के लिए, उसको सीट पर बिठाने के लिए, उसके साथ आप जहाज के अंदर तक भी जा सकते थे। और यही वजह बनी थी 9/11 की, कि इसी तरह से वो लोग अंदर घुस गए थे। और जब जहाज चलने लगता था तो वो कहते थे कि भाई जो है ना अब हम गेट बंद करने लगे हैं और जो है ना जिसने जिसके पास टिकट नहीं है वो निकल जाए जहाज से। तो इस तरह से होता था। तो 9/11 के बाद इन्होंने सख्त मतलब सिक्योरिटी टाइट कर दी थी, तो इस तरह की इजाजत नहीं थी। लेकिन अभी फिर अनाउंस हुआ है, ये जो अगला महीना आ रहा है November 1 से, फिलाडेल्फिया जो है उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस जो उसकी डोमेस्टिक जो राउट्स हैं उसके, वहाँ पे आप जो है ना जो नॉन ट्रैवलर्स हैं वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, वो ये है कि आप उनको पहले अप्लाई करेंगे, बताएंगे कि भाई फलां डेट को जो है ना फलां बंदा फलां जगह से फलां इस डेस्टिनेशन के लिए आ रहा है, तो हम उसको सरप्राइज देने के लिए, उससे मिलने के लिए हम अंदर जाना चाहते हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो उसके अगेंस्ट आपको एक पास इशू किया जाएगा, वो पास लेके आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जो मतलब कि अपने किसी प्यारे को सरप्राइज देना चाहते हैं एयरपोर्ट के अंदर जाके। और ये सिर्फ अकेला फिलाडेल्फिया का एयरपोर्ट नहीं है, इसके साथ सियाटल भी है, डेट्रॉइट भी है और 2-3 और एयरपोर्ट्स भी हैं जो ये प्रपोजल दे रहे हैं, और ये इनिशियली ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे।